हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये 7.3 टॉपिक है, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर। तो 7.3 हमारे थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को यूज़ करके हम इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा प्रोडक्ट्स या फिर ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो भी चाहें वो कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। सो लेट्स स्टार्ट। द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब देखें, हम जो है वो अमोनिया की सिंथेसिस कर रहे हैं। एक रिएक्शन है हमारे पास, NO2 नाइट्रोजन, NO नाइट्रोजन है हमारे पास और H2 गैस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवा के हम जो है वो हेबर बोस्च प्रोसेस से अमोनिया की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है। ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी जो है ये नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसके अंदर से हीट बाहर निकल रही है, हीट खारिज हो रही है। अब ये हीट खारिज हो रही है तो ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब आते हैं कि कैसे जो है वो हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का यूज़ करके हम इस पे जो है वो डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स, डिफरेंट तरह के स्ट्रेसेस लगा के हम जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो ज़्यादा रिएक्टेंट भी हासिल कर सकते हैं। तो द इक्वेशन टेल अस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये हमें बताती है इक्वेशन के रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। प्रोसीड इन डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ये कैसे जो है वो ऐसे प्रोसीड हो रही है कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिएक्टेंट से कम है। मतलब ये इस तरह से फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारे रिएक्टेंट के अंदर जो है वो एक नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन के मोल हैं, तो टोटल 4 मोल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास टोटल अमोनिया के 2 मोल हैं। तो यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज़ हो रहे। टू गेट द मैक्सिमम प्रॉमिसिंग यील्ड ऑफ अमोनिया फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल शुड बी मेंटेन। हमें ज़्यादा अगर अमोनिया चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो हम जो है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल की कुछ कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है हम जो है वो प्रेशर का इफ़ेक्ट इस पर कर सकते हैं। प्रेशर का इफ़ेक्ट करके हम कैसे जो है वो प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं। इन द गिवन इक्वेशन 4 मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट साइड एंड 2 मोल्स ऑफ ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पर 4 मोल्स लेफ्ट साइड पे हैं और 2 मोल्स जो है वो राइट साइड पे हैं। प्रोडक्ट के 2 हैं और रिएक्टेंट के 4 मोल्स मौजूद हैं। एन इंक्रीज़ इन द प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन टू द राइट साइड। अगर हम इस पर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, तो हमने ये पढ़ा है कि जब भी प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये रिएक्शन को उस तरफ शिफ्ट करता है जहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम डिक्रीज़ है, राइट साइड पे वॉल्यूम डिक्रीज़ है, तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड रिएक्शन करवाएगा और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फिर से अमोनिया की जो है प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये हमारे पास बता रहा है कि जब भी हम प्रेशर इस पर इंक्रीज़ करेंगे तो ये राइट साइड पर शिफ्ट करेगा रिएक्शन को और फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस और ज़्यादा अमोनिया गैस बनेगी। सिंस अ वेरी हाई प्रेशर मे बी डेंजरस फॉर द प्रोसेस एन ऑप्टिमम प्रेशर शुड बी सेटल्ड। हम जो है वो अगर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये डेंजरस हो सकता है इस प्रोसेस के लिए, इसीलिए हमें जो है वो एक ऑप्टिमम प्रेशर जो है वो एक ऐसा प्रेशर रखना चाहिए जिस पे जो है वो हमारी अमोनिया जो है वो आराम से बन सके और हमारे इस प्रोसेस को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसीलिए ज़्यादा प्रेशर जो है वो ये इस प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर सकता है। द ऑप्टिमम कॉम्प्रोमाइजिंग प्रेशर टू अ गुड यील्ड ऑफ अमोनिया इज़, तो हम एक अच्छी यील्ड अमोनिया की इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे हम जो है वो ले सकते हैं। 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर हम मेंटेन करें तो हमारे पास अच्छा तादाद अमोनिया का हमें मिल सकता है। अगर इससे ज़्यादा हम करेंगे तो हमारे इस प्रोसेस को नुकसान होगा, ये प्रोसेस जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अगर हम इस प्रोसेस पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट करें, टेम्परेचर कम या ज़्यादा करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है। तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हम जब भी जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो है इंक्रीज टेम्परेचर जो है वो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करता है, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं
टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है इसका फॉरवर्ड रिएक्शन इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसका बैकवर्ड रिएक्शन इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर हमें ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट चाहिए, मतलब हमें अगर फॉरवर्ड रिएक्शन राइट की तरफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा करवाना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसका फॉरवर्ड रिएक्शन इसका एक्सोथर्मिक है तो जब भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो वो डिक्रीज टेम्परेचर जो है वो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन को जो है वो फेवर करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, मतलब इसका फॉरवर्ड रिएक्शन हो, और इसका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो हमें अमोनिया ज़्यादा मिलेगी और जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड पर शिफ्ट होगा। तो एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जैसे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अ डिक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द रिएक्शन टू द राइट साइड, हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो ये राइट साइड पे शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम को, फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और इससे जो है वो अमोनिया की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। द लोअरिंग द टेम्परेचर डू फेवर्स द हाई यील्ड ऑफ अमोनिया बट ऑन द अदर हैंड इट स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, हम अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो ये अमोनिया को फेवर करेगा, अमोनिया तो ज़्यादा बनवाएगा लेकिन क्या होगा कि हमारा रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। इसीलिए हमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को कम नहीं करना चाहिए, अगर हम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्शन बहुत ही स्लो होता जाएगा और इससे हमें अमोनिया ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की चॉइस करेंगे जिससे हमें जो वो अमोनिया की एक मॉडरेट जो है वो अमोनिया हमें मिल सके और अमोनिया जो है वो ज़्यादा तादाद होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 400 से 500 सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर रख सकते हैं और इससे हम जो ज़्यादा कम करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो इस प्रोसेस के लिए सही नहीं होगा। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन का चेंज करके हम कैसे इस प्रोसेस में अमोनिया ज़्यादा ले सकते हैं, हम जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा कैसे ले सकते हैं। एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, मतलब रिएक्टेंट के अंदर और रिएक्टेंट ऐड करते हैं, आर डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, या हम अमोनिया को रिमूव करते हैं, अमोनिया की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं, या हम रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करें या प्रोडक्ट को डिक्रीज़ करें, तो हमारे पास हमेशा राइट की तरफ रिएक्शन जाएगा और रिएक्शन राइट की तरफ जाएगा तो हमें ज़्यादा अमोनिया मिलेगी। तो इस हम जो है वो अमोनिया को रिमूव कर सकते हैं या और रिएक्टेंट को ऐड कर सकते हैं, रिएक्शन इससे जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और हमें जो है वो अमोनिया ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद कैटलिस्ट का इफ़ेक्ट इस पर है कि कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट इफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम जो है वो कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे तो हमारे इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये क्या करेगा, ये स्पीड अप करेगा रिएक्शन को और हमें जो प्रोसेस है वो जल्दी होकर हमें जल्दी अमोनिया मिलेगी। तो फाइनली डिवाइडेड आयरन इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द सिंथेसिस अमोनिया, अमोनिया की सिंथेसिस के लिए हम एक आयरन यूज़ कर सकते हैं, आयरन जो है वो डिवाइडेड आयरन को हम यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट फॉर दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में हम आयरन का यूज़ करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 7.6, इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में जो है वो हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस, हम जो है वो नाइट्रिक एसिड की जो है वो सिंथेसिस कर रहे हैं ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर हम नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो NO है और इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ये जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें हीट जो है वो बाहर निकल रही है। तो अब क्या करना है, हमें जो है वो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल ली चैटल प्रिंसिपल की कुछ जो है वो स्ट्रेसेस यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं, अब इनको बताना है कि इसका जो है वो क्या इफेक्ट होगा इस रिएक्शन पर। तो सबसे पहले हमारे है हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, अगर O2 ऐड करेंगे या NO2 रिमूव करेंगे तो क्या होगा, तो ये सारे जो स्ट्रेसेस इनका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स आस्किंग इन द क्वेश्चन वी शुड अप्लाई द ली चैटलेस प्रिंसिपल, तो यहाँ पर हम ली चैटलेस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे और हमें ये पता चलेगा कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से या टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा इस रिएक्शन पे। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि सिंस 3 moles ऑफ रिएक्टेंट गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म 2 moles ऑफ प्रोडक्ट गैसेस,
तो यहाँ पर रिएक्टेंट के जो है वो 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट के जो है वो 2 मोल्स बन रहे हैं, मतलब यहाँ से जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर मोल्स डिक्रीज हो रहे होंगे, वॉल्यूम जहाँ पर कम होगा उसी तरफ जो है वो रिएक्शन शिफ्ट करेगा, तो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड दस मोर एनओ टू विल फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हैं, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन करवाएगा और हमें ज़्यादा NO2 मिलेगी। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पर आप देखें ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पहले से ही इसमें हीट बाहर निकल रही है। तो जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करता है, तो ये अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक होगा। तो इसमें जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो नेगेटिव साइन ऑफ एंथैल्पी इंडिकेट्स दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। तो अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा, एंड दस मोर NO2 विल फॉर्म। तो मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो ये ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद नंबर है सी। सी के अंदर क्या हो रहा है, एडिंग O2, अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड करते हैं, मतलब रिएक्टेंट को ज़्यादा ऐड करते हैं, एडिंग मोर O2 इन दैट रिएक्शन मिक्सचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। तो रिएक्शन को जो है यहाँ पर राइट पे शिफ्ट करेगा। राइट पे शिफ्ट क्यों करेगा, क्योंकि जब भी हम रिएक्टेंट को ज़्यादा ऐड करते हैं, रिएक्टेंट को ऐड करते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और ये रिएक्शन जो है वो जहाँ पर कम कंसंट्रेशन होती है उसकी तरफ जो है वो जाता है। तो यहाँ पर राइट की तरफ शिफ्ट होगा हमारा रिएक्शन, दस मोर NO2 और हमारे जो प्रोडक्ट है NO2 ये ज़्यादा बनेगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट कंडीशन है जिसमें हम जो है वो NO को रिमूव कर रहे हैं। NO क्या है, यहाँ पर हमारे पास NO रिएक्शन रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को अगर हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ये रिएक्शन बैकवर्ड होगा। तो रिमूविंग NO विल फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा और लेफ्ट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और इससे हमें जो है वो ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा जो है वो टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अगली वीडियो में हम 7.4 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। सो वो वाली वीडियो मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।